नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे, खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अंदर तैनात। तेलंगाना में घंटे भर में थमेगा चुनावी शोर। बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों ने झोंकी ताकत। 30 नवंबर को होगा मतदान। सरकारी छुट्टियों में भेदभाव पर घिरी बिहार सरकार। नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई। हिंदू त्योहारों की छुट्टी में की कटौती। 2024 का कैलेंडर किया जारी। गोवा में एपी के समापन पर फ्रेंच फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का प्रीमियर। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की होगी घोषणा। माइकल डगलस को दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसराइल हमास के बीच 2 दिन और बढ़ेगा संघर्ष विराम। गाजा पट्टी में बढ़ेगी मानवीय सहायता। अमेरिका के विदेश मंत्री क्लिंटन फिर करेंगे पश्चिम एशिया का दौरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच गुवाहाटी में आज। 5 मैच की सीरीज में 2-0 से टीम इंडिया आगे। आज सीरीज कब्जाने पर होगी नजर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, लेकिन समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग के अंदर पिछले 16 दिन से फंसे 41 श्रमिकों के सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। सुरंग के भीतर से श्रमिकों के बाहर निकलने की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। सुरंग के भीतर ही डॉक्टर और विशेषज्ञों की टीम तैनात कर दी गई है। श्रमिकों के लिए 8 बिस्तर सभी मेडिकल सुविधाओं के साथ सुरंग के भीतर लगा दिए गए हैं। इस बीच NDRF और SDRF के जवानों को भी सुरंग के अंदर बुला लिया गया था और वो सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंच गए हैं। यहां पर फोर्स बढ़ा दी गई है। एम्बुलेंस, डॉक्टर और सुरक्षा भी मौके पर मौजूद है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आज श्रमिकों का सुरंग से बाहर निकलना लगभग तय है। यहां से सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 84 सॉड और उत्तरकाशी जिला अस्पताल ले जाया जाएगा। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से वहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और श्रमवीरों का इंतज़ार हो रहा है। उत्तरकाशी के सिलग्यारा से हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें पल पल की रिपोर्ट वहाँ से दे रहे हैं। लगातार वो चुनाव कर रहे हैं, वहाँ पर लगातार वो लगे हुए हैं और हमें हर जानकारी वहाँ से दे रहे हैं। ओपी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या जानकारी आप हमें देंगे, क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं? सभी की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। जी, सिलक्यारा टनल में बीते 17 दिन से जो मजदूर, जो श्रमवीर इस टनल में फंसे हुए थे, उनके पास जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो पहुंच चुकी है।
अब वो घड़ियां खत्म हो चुकी है जिसका हमें बीते 16 दिन से लगातार इंतजार था। अब सिर्फ और सिर्फ समय बचा है केवल फॉर्मेलिटीज करने का। जो NDRF है, SDRF है और जो विशेषज्ञों की टीम के साथ साथ चिकित्सकों की टीम है, वो उन मजदूरों से, उन श्रम मजदूरों से संवाद कर रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है, उनको जो भी स्वास्थ्य की जांच के लिए प्राथमिक स्तर पे जो पूछताछ करनी होती है वो कर रही है। इसके अलावा उनको ये समझाया जा रहा है कि किस तरह टनल में जब हम इनको निकालेंगे तो आपको किस तरह स्ट्रेचर पे लेटना है, किस तरह बाहर आना है, किस तरह आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है, ये सब चीज़ों की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसी के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ उनको थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी समय दिया गया ताकि वो थोड़े फेमिलियर हो जाएं और इतने दिनों से एक स्पेसिफिक जोन में फंसे हुए थे तो उससे उबर पाए। इसके अलावा जो मजदूर हैं उनको जब बाहर निकाला जाएगा तो एक तापमान का जो विभिन्नता होती है उसको समानांतर करने के लिए एक थोड़ा टाइम टेकिंग यूनिट चल रही है। उसी का ये जो हडल हमको लग रहा है कि हम थोड़ी डिले कर रहे हैं, क्यों हो रहा है इतना लेट और मजदूर अभी बाहर क्यों नहीं आ रहे, उसी ये प्रक्रिया है जिसके अंदर तमाम जो ऑप्टिकल हैं उनको पूरा करने के लिए, फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, मजदूरों को एक तरह से फीडबैक देकर उनको समझाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसमें NDRF, SDRF और चिकित्सकों की टीम अंदर है, वो उनके साथ संवाद करिए क्योंकि जो 800 mm का पाइप है उसमें लेट के आना है, तो लेट के आते समय किस तरह उनको सिर किधर रखना है, पैर किधर रखना है, ऑक्सीजन का सिलेंडर किस साइड में रखना है, अपने हाथ और अंगूठे, हाथ और पैरों को किस तरह उनको स्ट्रेचर पर लिटा के रखना है, समानांतर मोड पर लेट के कैसे आना है, फिर रस्सी से उनको खींचते टाइम उसको किस मुद्रा में रहना है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर उनको समझाई जा रही है ताकि जब उनको रेस्क्यू किया जाए उस तरफ उस दौरान किसी में कोई घबराहट न हो, किसी तरह कोई दिक्कत न हो। साथ ही साथ उनका शारीरिक मानसिक स्तर जानने के लिए उनसे संवाद चिकित्सकों द्वारा भी किया जा रहा है और जो केंद्रीय मंत्री है, बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जिन टीमों की ड्यूटी लगी है वो अपने अपने दायित्वों का निर्माण करते हुए उनसे संवाद कर रहे हैं, तो यही वजह है कि इसमें देरी लग रही है। लेकिन अब जो चिंता थी बीते 16 दिन से ये लग रहा था कि मजदूर तक कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो सब चिंताएं, वो सब बाधाएं अब दूर हो गई है, बस केवल देरी है तो उन मजदूरों के बाहर निकलने की है। और वो थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे कि वो टनल से बाहर निकलेंगे और दूरदर्शन न्यूज के जरिए हम अपने दर्शकों को, देश और दुनिया को दिखाएंगे कि ये वो श्रमवीर है जो बीते 16 दिन से न केवल टनल में फंसे हुए थे बल्कि जोश जज्बा और जुनून के साथ बाहर निकले और इस रेस्क्यू को भारत और राज्य सरकार ने प्रयासों से जो श्रमवीरों के जरिए पूरा किया है। बिल्कुल ओपी, हम ये जो दृश्य आप हमें दिखा रहे हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं, अंदर काफी तैयारी दिखाई दे रही है, कई टीमें वहां पर मौजूद हैं, मशीन्स भी वहां पर लगी हुई हैं, कुछ अंदर टेंट्स भी वहां पर लगे हुए हैं, ये पूरी बड़ी तैयारी ये किस तरह से है और इसका कितना महत्व है ये भी हमें बताइए। जी, जब से यह ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान यहाँ पे बहुत सारी हैवी मशीनरी और साजो सामान लगातार यहाँ आ रहा था, जा रहा था और आवाजाही लगी हुई थी। लेकिन जब यह ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तब उन मशीनरी की जगह दूसरे उपकरणों ने ले दी। वो उपकरण थे जो चिकित्सा जांच से संबंधित, अस्थायी हॉस्पिटल, स्ट्रेचर बेड और एम्बुलेंस। तो इसलिए आप मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं कई सारी एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, बहुत सारे स्ट्रेचर लगे हुए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल से जुड़ी सामग्री है, बहुत सारे NDRF SDRF की टीमें यहाँ खड़ी हुई है। तो यह सब अपनी जगह कवर अप कर रहे हैं क्योंकि अब इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और जो टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी से जुड़े विशेषज्ञ हैं उनकी जिम्मेदारी अब कम हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो निभानी थी वो पूरी कर दी। अब जो सेकंड दौर पे जो ऑप्शन बी के बाद जो काम आता है वो काम इन सभी लोगों का है जो यहाँ तैनात है और यही वजह कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा निकल लगा हुआ है बल्कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जिनको दायित्व मिले हुए हैं उन दायित्वों को राष्ट्रहित में पूरा करने के लिए, इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, ऑपरेशन के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लगाने में तत्परता से खड़े हुए हैं। और यही जो आपने जिक्र किया कि टनल के अंदर बहुत सारा मूवमेंट बढ़ा हुआ है, उसमें जो एम्बुलेंस अंदर गई हुई है और जो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा तमाम तरह के जो आला अधिकारी, प्रशासन के लोग, इंजीनियरिंग के लोग, चिकित्सकों के, चिकित्सीय टीम के सदस्य और इसके अलावा NDRF SDRF के लोग और जो सेल्फ वॉलंटियर्स है वो भी अंदर है और कई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स हैं वो इसी टीम के हिस्सा बने हुए, तो वो भी सब अंदर है। तो निश्चित तौर पर अभी ऑपरेशन बेशक पूरा हो गया लेकिन इसकी फॉर्मेलिटीज हैं वो अभी पूरी नहीं हुई और उन्हीं फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए ये जो अमला है, जो साजो सामान लेके जो जमावड़ा लगा हुआ है, वो अपनी पूरे दायित्व निभाने के लिए यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रहा है। बिल्कुल ओपी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि पाइप जो है वो अंदर तक पहुंच गया है, जो बेड्स हैं वो अंदर तक पहुंचाए गए हैं, इसके साथ ही मेडिकल की टीम है जो उन्हें रेस्क्यू कर लेकर आएंगी, NDRF SDRF वो टीमें भी वहां पर मौजूद हैं और ये बेहद ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि 17 दिन तक एक टनल के अंदर रहना, उसके बाद उन्हें बाहर निकालना, तो जो बाहर का वातावरण है उससे भी एक्लिमेटाइज करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है।
जी आपने बिल्कुल सही कहा, इस जो टनल है इसका टेम्परेचर 24-25 डिग्री के समथिंग कभी आगे पीछे थोड़ा, क्योंकि अंदर 2 किलोमीटर तक की ये सुरंग है जो पूरी खाली है, और इसमें जो मजदूर है जहाँ फंसे हुए, यहाँ से तकरीबन मेरे पीछे आप देखेंगे तो 200 मीटर तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद तकरीबन 50 से 60 मीटर की ये जो टनल में जो ऑप्टिकल बाधा आई वो मलबा फंसा हुआ, और उसके बाद आगे का 2 किलोमीटर तक का रास्ता पूरा क्लियर है। तो अंदर बहुत खाली रास्ता है, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर क्या है कि जब थोड़ी भी बारिश होती है या कुछ भी होता है तो थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, और मॉइस्चर आने से अंदर का टेम्परेचर भी प्रभावित होता है। लेकिन ये 25, 26, 28, 30 तक चला जाता है, लेकिन नॉर्मल तापमान इसका 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर बताया गया है, जबकि बाहर का हम देखते हैं तो 7 से 8 डिग्री है। तो दोनों में मतांतर है, दोनों में विभिन्नता देखी जा रही है, और इसी वजह से इन मजदूरों को बाहर निकालने से पहले थोड़ा फॉर्मल तौर पर इस तापमान को सहनशील बनाने के लिए बाहर कुछ इनको देर रेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो अंदर का जो वातावरण है, अंदर की जो एक्टिविटीज है, दिन भर ये लोग अपने अलग अलग दिनचर्या इन्होंने बना ली थी, क्योंकि मजदूर है, श्रमिक वर्ग से हैं, और इनके जो काम करने के तरीके और रहने की शक्ति अलग तरह की होती है, और इनकी स्टेमिना जो होती है वो भी अलग होती है। तो इसलिए इन्होंने दिनचर्या सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, देर रात तक किस तरह की एक्टिविटी करके अपना टाइम निकालना है। तो ये अंदर एक तरह से क्वारंटाइन की स्थिति में थे, लेकिन इनका मूवमेंट लगातार बना हुआ था, ये 2 किलोमीटर तक आना जाना, आपस में बातचीत करना, घूमना, और बीते 4.5 साल तक इसी टनल में इनको काम करना, तो ये बहुत अभ्यस्त लोग रहे हैं, इनको कोई किसी तरह की चिंता नहीं थी। बस केवल एक समस्या थी तो ये थी कि वो उसमें फंसे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे, तो इनके लिए कोई ज्यादा दिनचर्या और इस तरह की चीजों में ज्यादा अंतर नहीं था। बस केवल इनको चिंता थी तो वो थी कि हम अंदर फंसे हुए हैं और जल्दी इनको बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन पूरे किए जा रहे हैं वो पूरे हों और फिर हम बाहर निकले। बिल्कुल, एक अच्छी बात ये भी रही ओपी की, लगातार उनसे बातचीत जारी है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, जब से ये टनल में हादसा हुआ उसी दिन से इस टनल के अंदर एक 4 mm का पाइप अंदर डला हुआ था जिसके जरिए ऑक्सीजन जाना होता है। इसके अलावा एक ह्यूम पाइप था जो जब भी कोई आपदा आती है टनल में मलबा वगैरह गिर जाता था। और सीधे आपको ले चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर। मैनेजमेंट अथॉरिटी इज विद मी एंड अलोंग विद मी आल्सो इज मिस्टर विशाल चौहान हु इज द मेंबर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया।